सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाए। मैंने भी 4-5 पॉलिसी बनवाई थी, बहुत अच्छा काम है इनका। और 9831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज जुड़ी हुई है बजट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में आज फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन 2021-22 का बजट पेश कर रही हैं और उसमें से वो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी है, वो ये है कि पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करने जा रही है सरकार, उसको पास कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 5-6 सालों से स्क्रैपेज पॉलिसी की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि जो वाहन पुराने हो जाते हैं उनको कबाड़ कर दिया जाए। ऐसी नीति लाने के लिए काफ़ी सालों से जो एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो एनवायरनमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका प्रेशर है सरकार के ऊपर। और दूसरी तरफ जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं वो भी लगातार पुश कर रही हैं इस बात को लेकर के सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आए। और आज बड़ी अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जो हैं हमारी, उन्होंने कह दिया है के पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है सरकार ने, इसको अप्रूवल दे दिया है और इसकी जो डिटेल है वो जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय जो हमारा है वो इसकी डिटेल आने वाले दिनों में जल्द ही लोगों के सामने लेकर आएगा। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर उन्होंने बता दिया कि जो प्राइवेट वाहन हैं वो 20 साल से पुराने, और जो कमर्शियल वाहन है जिसके अंदर 3 पहिया वाहन आ जाता है, जिसके अंदर बस टैक्सी ट्रक आ जाता है, वो 15 साल से पुराने वाहन जो होंगे वो इस नीति का हिस्सा होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि वित्त मंत्री ने एक शब्द का और इस्तेमाल किया, वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी कि ये थोपी नहीं जाएगी, ये वॉलंटरी होगी नेचर के अंदर, कि आपकी मर्जी होगी। आप सुनिए क्या कहा है वित्त मंत्री ने बजट के दौरान स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर। स्क्रैपिंग पॉलिसी, we are separately announcing, honorable speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel efficient, environment friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. तो आपने सुना, वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी है सरकार ने और जल्द ही ये लागू होगी। जो जानकारी इसको लेकर अब तक मिली है वो ये है, सबसे पहले कि ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो आने वाले दिनों में देगा। बड़ी बात यह है कि जो वाहन इससे प्रभावित होंगे वो प्राइवेट व्हीकल जो 20 साल से पुराने हैं और जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो 15 साल से पुराने हैं, और ये नीति पूरे देश के अंदर लागू होगी। यहाँ पर आपको ये बता दें कि वॉलंटियर शब्द का, कि आपकी मर्जी है, इसका इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन जो सरकार की नीति है वो ये लग रही है कि आप इसको जबरन थोपे नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पुराना वाहन रखना आप महंगा कर दें व्यक्ति के लिए, तो अपने आप ही वो अपने वाहन को कबाड़ करना चाहेगा। उसके लिए जो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, स्टिक यानी कि डंडा मारो, यानी कि कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट हो, और कैरेट कुछ ना कुछ उसको लाभ भी मिले। तो लाभ क्या मिलेगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन डंडा जो है वो क्लियर हो रहा है। एक डंडा तो शुरू में चला दिया गया था कि जो 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहन है उनकी फिटनेस साल में 2 बार होगी, तो एक तो खर्चा वहां पर बढ़ाया गया। और हाल ही में ग्रीन टैक्स का प्रपोजल भी आ गया है कि जो वाहन 8 साल से पुराने हैं वो फिटनेस के ऊपर, हर फिटनेस के ऊपर ग्रीन टैक्स भरेंगे। तो 15 साल से पुराने वाहन पर 2 बार ग्रीन टैक्स भरा जाएगा, तो ये दूसरा डंडा हो गया। आने वाले दिनों में इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, हर चीज़ जो होगी पुराने वाहन की, वो महंगी कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ आपको ये ऑफर की जाएगी कि 15 साल पुराना जो कमर्शियल वाहन है उसको आप कबाड़ कर सकते हैं, और सरकार उसका कोई ना कोई हो सकता है आपको लाभ भी दे, जैसे GST के अंदर लाभ दे सकती है, या कुछ ना कुछ डिस्काउंट हो सकता है नए वाहन के लिए, वो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है जो बजट में से निकल कर आ रही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, बहुत ऐतिहासिक और बड़ा ये ऐलान है कि स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसे हम कबाड़ नीति भी कह सकते हैं,
वो लागू करने जा रही है सरकार। जल्द 1 अप्रैल 2022 से वो जो बातें हो रही हैं कि लागू होगी और उसके अंदर 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन प्रभावित तो होंगे और प्राइवेट वाहनों की बात करें तो 20 साल पुराने। ज़्यादा जानकारी जो है वो आने वाले दिनों में हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको देंगे जैसे ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय इसके बारे में और जानकारी जारी करेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 25 जनवरी से जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके अंदर 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको कबाड़ करने की नीति पर काम शुरू हो गया है, ऐसा सरकार ने कहा है। ये अच्छी बात है, सबसे पहले सरकार को ही करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो रोडवेज हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो, सबसे ज़्यादा धुआं मारती गाड़ियां इन्हीं की होती हैं। अच्छी बात है कि पहले सरकार अपने यहाँ से जो है 15 साल पुराने वाहन हैं उनको निकाले, उसके बाद ही आम लोगों की जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर नज़र रखें। लेकिन फिर भी आपकी हम राय जानना चाहेंगे कि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ला रही है क्या इससे आपको फ़ायदा होगा? वाहन निर्माता कंपनियों को तो ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि जब पुरानी वाहन जो है वो कबाड़ होंगे तो नई गाड़ी खरीदनी होगी। पोल्यूशन कितना फ़र्क पड़ेगा वो भी जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बताएंगे, लेकिन आपको एज अ गाड़ी मालिक ये फैसला कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप इसके बारे में तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उसे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट तो, और कुछ जानकारी भी पूरे तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएँ वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिला है और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।